जहां एक ओर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का खुमार छाया है, वहीं मतदाताओं की चिंता ये है कि किसे चुना जाए। एक मुहावरा है, नीम हकीम खतरे जान। इस मुहावरे का अर्थ उदय मेहता ने बखूबी समझाया। उदय मेहता जो कटकमसांडी पूर्वी के उम्मीदवार हैं, छात्र नेता रहते हुए इन्होंने विद्यार्थियों की हर समस्या को सुलझाया एवं कई आंदोलन करके युवा के दिल में अपनी जगह बनाई है। उनके अनुसार कटकमसांडी में जो जीत कर आ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके कार्य क्या हैं। जनता की समस्या को किन अधिकारियों के समक्ष रखा जाए। वहीं उनके निवास पंचायत में विकास की नदी तो बही, लेकिन पंचायत के लोगों के हाथ धुलने से पहले ही नदी सूख गई। पंचायत में लगे दो जल मीनार शोभा के लिए खड़े हैं, स्ट्रीट लाइट लगी पर प्रकाश होता नहीं। छड़वा डैम है, उसका भी जल सौंदर्यकरण होना चाहिए। वहाँ के किसान लोगों को सही मुआवजा नहीं मिल पाता है, व्यापारी को सस्ते दामों पर सब्जी देना पड़ जाता है। किसानों को अगर सुविधा मिल जाए तो वो सब्जी को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। हजारीबाग से अभय कुमार के साथ मुकेश कुमार की रिपोर्ट। अभी हम आदर्श गांव में हैं, यहाँ पे एक जल मीनार जो की शोभा केंद्र बना हुआ है। क्या क्या गांव में विकास हुआ, आपका नाम क्या हुआ पहले बताइए। मेरा नाम फुटन राम है। गाँव में विकास जो हुआ है तो सामने पड़ा हुआ है, जो भी ये 5 साल पुराना है बना है, तब से हो गया था, पाइप वगैरह भी लगा था, सब बंद हो गया। तुरंत पानी एक महीना हम लोग को नहीं मिला, उसके बाद फिर तुरंत खराब हो गई, फिर जो खराब है वो खराब हो गया। हाँ हम लोग एक दो बार बोले थे, उसके बाद फिर ये खत्म हुआ था दोबारा। अब देखते हैं पानी बचाए, यहाँ पूरी तरह से बंद है, पानी पूरा बच रहा है। लोग यहाँ अभी गर्मी के समय में लोगों को सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की बिना लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जैसे उन्होंने बताया कि हम लोगों को इधर कनेक्शन किया गया, लेकिन पानी का लाभ मिला नहीं। और ये जो गड्ढा जो सामने बता रहे हैं बगीचे में किए हैं, तो क्या ऐसा क्या मामला है? ये सरकारी गड्ढा हुआ है, सरकारी तरफ से हुआ है, खेल थोड़ा सा बलों तरफ से लगा हुआ है। देख रेख कौन कर रहा है? इसका देख रेख अधीर का अध्यक्ष है बंगाली राम और कृष्ण रविदास। उन्होंने कहा कि इसमें पेड़ वगैरह लगे, मुआवजा में आप लोग काम किए, पैसा नहीं मिला है। हाँ गड्ढा वड्ढा जो हम लोग किए थे उसका पैसा वैसा नहीं मिला। वृक्षारोपण भी हुआ है, वो तो हम लोग मदद के रूप तौर पर होते हैं, उसका पैसा बात हम नहीं सोचे। गड्ढा जो किए थे उसमें पैसा मिलने का बात हुआ था, जो पैसा हम लोग आज तक क्या क्या लिया गया आपसे मुआवजा में कि खाता पैसा वैसा क्या लिया गया, ग्रुप में क्या लिया गया? ग्रुप में लिया गया तो बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड। अच्छा, अब आज तक नहीं पहुँचा? नहीं। अब देख सकते हैं उन्होंने कहा कि गांव का विकास भी होना चाहिए, कि अगर गड्ढे करते हैं तो गांव में अगर पेड़ पौधे होंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आज तक इन्हें उसका लाभ, मतलब गड्ढा खोदने का जो मुआवजा होता है, मजदूरी होता है, इन्हें आज तक मिला नहीं। कितने दिन पहले की थी? दो साल से अभी तक पैसा नहीं मिला है। जिले के लुपुंग पंचायत में है, जहाँ एक आदर्श गांव के नाम से जाना जाता है इस गांव को, और ग्राम अस्थिर। क्या नाम हुआ आपका? ये बना हुआ है 2-3 साल। आप गड्ढा खोदे हम पता है, गड्ढा आप खोदे ना? गड्ढा खोदे है ना? क्यों गड्ढा खोदे थे? गाछ लगाने। गाछ क्यों लगाए हैं? हम लोग तो लगे थे पैसे नहीं लगा, पैसे नहीं लगा, गाज भी नहीं लगा। आप लोग अच्छा बस बोला गया गड्ढा खोद लिया तो पैसा आने के बाद पैसे मिले, तो फिर मजदूरी आपको नहीं मिला? इनके द्वारा गड्ढा नहीं हुआ था, ये हुआ था बंगाली राम और कौन ये गाँव का बनाए थे हम लोग। दोबारा उनसे पूछने की कोशिश किए आप? क्या नाम? हम लोग का बोला गया था कि आयोग आप लोग आएगा कौन कौन।
आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर। बैंक खाता नंबर चेक कराया तो लोकल आधारित वाले बाजार बेचते हैं, कहीं कहीं बाहर से व्यापारी लोग आता है थोड़ा दोबारा उसे लोग खा लेते हैं, तो क्या रेट से नहीं मिल पाता? रेट हमेशा घटते बढ़ता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो सॉस वाला कंपनी क्यों नहीं लेता है? कंपनी जो बनाती है उस कंपनी हमें हमेशा नहीं ले पाती है, कभी कभी बोलता है नहीं नहीं है, ज्यादा है, कभी ज्यादा होता है, लेने का कुछ करता है वहाँ भी नहीं है। आप लोग अगर सरकार अगर आप लोग अपना फैक्ट्री बैठा दें, कुछ किसानों को दे उस समय अगर वैसा बात होगा तो कुछ सोच समझ के बात करने में पड़ेगा, और देखेंगे अगर वैसा होगा तो उसमें भी। इन्होंने कहा कि जब अगर सरकार हमें सुविधा देगी सब्सिडी देगा तो हम चुके हैं उदय मेहता जी के पास, जो कि हजारीबाग कटकम सांदी क्षेत्र में पूर्वी में आते हैं। अब क्या विकास हुआ है, अब विकास की कहानी के बारे में तो जनता बताएगी, किन किन मुद्दों को लेके ये खड़े हुए हैं और क्या विकास हुआ है इसके बारे में बताएंगे। बताइए आपका क्या नाम हुआ? जी नमस्कार सर, मेरा नाम उदय मेहता हुआ और लगभग मैं बता दूं कि कटकम सांदी पूर्वी से जिला परिषद क्षेत्र में चुनाव में आ रहा हूं। जब आप जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक में आखिर हम जैसे युवा को चुनाव मैदान में उतरने का क्या जरूरत पड़ गई, आखिर हम लोग क्यों कूद रहे हैं चुनावी मैदान में, हम लोग भी नौकरी के लिए दौड़ सकते थे, हम लोग भी नौकरी कर सकते थे, लेकिन आखिर बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए हम लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं। जब आप जानने का प्रयास करेंगे कि जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को सबसे बड़ी बात है उनको ये जानकारी नहीं होता है कि मेरा कार्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। अगर अभी आप देखेंगे क्षेत्र में जाएंगे तो उनको ये पता नहीं होता है कि भैया मुखिया का क्या कार्य है, पंचायत समिति सदस्य का क्या कार्य है, जिला परिषद का क्या कार्य है, उनको जानकारी होता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। अगर हम जनप्रतिनिधि को जिस जनप्रतिनिधि को चुन करके हम भेजते हैं वो करते क्या है कि अगर उनका कर्तव्य होता है कि जनता का बात को उस पटल पर रखना। अगर हम मैं जिला परिषद के रूप में आ रहा हूं तो जिला परिषद में जब बैठक होंगे तो अगर जनप्रतिनिधि जो हमारे जनपद आज तक जाते थे वो जाकर के पीछे जाकर के झुकते रहते थे, वो ये समझ में नहीं आता था कि जो अध्यक्ष हैं या आपके अध्यक्ष जो हैं या उपाध्यक्ष उनके समक्ष बात किस प्रकार से रखना है। अगर जब हम अपनी बातों को जनता की बातों को अगर हम उस पटल तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो विकास कहां संभव है। दूसरी बात,
सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को ये देखना है सब क्या करते हैं, जितने प्रत्याशी हैं वो अपने कार्य से वोट नहीं मांगते हैं, अपने कार्य से वोट नहीं मांगते हैं, वो दूसरे के केंद्र में किए गए कार्य या झारखंड सरकार द्वारा किए गए कार्य या दूसरे को दिखाकर क्यों नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, मेरा मानना है कि आपको अपने द्वारा किए गए स्वयं के द्वारा किए कार्य को ये करना है। चीजों सबसे बड़ी बात है कि ये आपका क्षेत्र का चुनाव है, ये क्षेत्र का चुनाव है, हमारा चुनाव है, हमारा गांव का चुनाव है, हमारा घर का चुनाव है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हम केंद्रीय मुद्दा को यहां ला करके पटक दे या राज्य का कोई मुद्दा ला करके हम यहां पटके, नहीं, हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम किस प्रकार से अपने क्षेत्र के मुद्दा को किस प्रकार से हम आगे ले जा सकते हैं। और बहुत सारे हैं हमारे क्षेत्र में समस्याएं जिसको आगे करने के लिए हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे मुख्य समस्या हम देख रहे हैं कि यहां से मेरा निवास स्थान लुपुंग और वहां से जो है कि लगभग आप देखें कंसार लुपुंग यहाँ पवरा तक जो है और संपूर्ण पिलावल तक इसको इनका प्रखंड है कटकम चांदी, जबकि वहां से जो मुख्यालय हजारीबाग है वहां तो 2 किलोमीटर की दूरी है, फिर भी यहां सारा काम करवाने के लिए 20 से 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम लोग सर्वप्रथम ये प्रयास कर रहे हैं, मेरा प्रयास ये है कि भाई जो कटकम चांदी प्रखंड से हम लोग छावा को अलग प्रखंड बनाने की मांग करेंगे और सरकार से लड़ करके प्रखंड को लाएंगे, जिससे हमारे जो क्षेत्र की जनता है उनको जो सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल पाएगी। जो 20 किलोमीटर उधर जाते हैं सारा कार्य हम लोग का होता है, जितना मुख्य कार्य है, जितना उनको चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो, सारा कार्य होता है हजारीबाग में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखा होगा कि भाई प्रखंड के लिए हम लोग उधर जाना पड़ता है। और जो है कि लुपुंग कंसार ये सब जो क्षेत्र है उसका जो है कि सब देखेंगे कि थाना भी जो है कटकम सामने नक्सली क्षेत्र है उधर, फिर भी जो हमारी माँ बहन हमारे भाई जो है कि उधर मजबूरन जाकर के सारा काम करवाना चाहते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि सारा जो है हजारीबाग से कनेक्ट करे। और दूसरी चीज सर, हमारा यहाँ से लगभग हमारे घर से 5 किलोमीटर दूरी की परिस्थिति है छावा डैम, और सर ये बहुत पुराना डैम है, बहुत बेहतर डैम है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि सौंदर्यीकरण की वजह से ये एकदम खंडर पड़ा हुआ है, और खंडर यहाँ पड़ा हुआ है तो यहाँ हम लोग ये प्रयास करेंगे इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए जिससे क्या है कि यहाँ पर्यटन स्थल बढ़ेगा, उसके बाद है कि ये क्षेत्र का विकास होगा। दूसरी चीज अगर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में क्या, हमारे इस आसपास संपूर्ण क्षेत्र में हजारीबाग क्षेत्र में जो है ये कहीं कोई केंद्रीय महाविद्यालय नहीं, सरकारी केंद्रीय महाविद्यालय नहीं है, बच्चे आज गरीब के बच्चे जो है कि मजबूरन शिक्षा के अभाव में जो है कि वो अपनी मंजिल को नहीं पा पाते हैं। हम लोग उस चीज को दर्द को देखे हैं सर, हम लोग बहुत करीब से देखे हैं कि किस प्रकार से युवा जो है कि दर दर के छोपे खाते रहते हैं, किस प्रकार से जो युवा है कि चाह करके भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, उनको नौकरी नहीं मिल पाता है। तो हमारा एक प्रयास रहेगा कि हम उसको लाइनअप करें और उसको वहां जगह तक पहुंचाए, और हम लोग उसको जिस जगह पर अभी सर नगर गांव में आप जाएंगे तो सबसे अधिक आपको एक ही समस्या देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां जो है जब तक हम लोग सब बच्चा थे सर तो हम लोग को बताया गया था कि भाई किसी तरीके से एक छोटा सा नौकरी करो, मैं मानता हूं कोई बात नहीं, एक छोटा नौकरी भी पाना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन सर क्या गांव के क्षेत्र के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे क्या IAS नहीं बन सकते, क्या IPS नहीं बन सकते, क्या CEO नहीं बन सकते, क्या BDO नहीं बन सकते, क्या दरोगा नहीं बन सकते? बन सकते, तो सिर्फ और सिर्फ है जानकारी का अभाव, उनको बताया ही नहीं कि हम JPSC क्वालिफाई करने के बाद जो है कि आप CEO BDO BSV बन सकते हैं, UPSC क्वालिफाई करने के बाद आप IAS IPS बन सकते, उसको कोई बताया ही नहीं, तो कैसे हम यही बताने के लिए क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हम लोग यही बताने के लिए क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सर मैं आपको बता दूं कि मैं एक PhD रिसर्च स्कॉलर हूं और यहां तक है कि मैं लॉ का भी पढ़ाई कर रहा हूं और बहुत कुछ है, मैं लगभग DLED भी किया हूं, तो और कुछ कुछ डिग्रियां हैं जो बहुत मैं दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं चाहूं तो एक छोटा सा जॉब लेकर के या ये बेहतर ये प्रोफेसर बनकर के मैं जॉब कर सकता हूं, मैं नौकरी कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरा कर्तव्य है क्षेत्र को आगे लाना,
अगर मैं आज एक प्रोफेसर बन जाता हूँ या आज मैं वकालत कर लेता हूँ तो भैया मेरा जीवन तो सुधर जाएगा, लेकिन जो हमारे साथी हैं, जो हमारे क्षेत्र में साथी, जो हम पर उम्मीद लगाए हुए हैं, उनका क्या होगा। और एक चीज और है सर कि बहुत लोग बोले कि नहीं आप चुनाव में मत आओ, चुनाव में मत आओ, चुनाव दूसरा कर, उसने बोला नहीं, अगर मैं चुनाव छोड़ देता हूं तो मेरा सिर्फ हार नहीं है, उन सभी युवाओं का हार है जो लगभग सपना देख रहे हैं आगे बढ़ने का। अगर मैं आज हार मान जाऊं तो हमको फॉलो करने वाले 400, 500, 1000, 2000 युवा निराश होकर के बैठ जाएंगे और उनको उनका मंजिल नहीं मिल पाएगा। मैं उनके मंजिल के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा और मेरा प्रयास है, और मेरा प्रयास है कि मैं जीतूंगा और जीत करके विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करूंगा। और लगभग मेरा प्रयास रहा है, आज से ही नहीं, लगभग मैं इस क्षेत्र में समाज सेवा क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में लगभग 8 से 10 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, मैं 8 से 10 साल में क्षेत्र हूँ। मेरा लगभग प्रयास रहा है कि सर कुछ भी होगा तो सैकड़ों बार कार्यक्रम करवाना, शराबबंदी के लिए आंदोलन करना, महिलाओं के उत्थान के लिए आंदोलन करना, युवाओं के उत्थान के लिए आंदोलन करना, लगभग जो है कि हर जगह खेल का आयोजन करना। फिर आप देखेंगे विश्वविद्यालय में मैं छात्र नेता के रूप में लगभग 5-7 साल वहां कार्य किया हूँ। वहां सर ये बीएड में सेशन नहीं पकड़ पाता था, बीएड का सिलेंडर हो जाता, मैंने क्या किया कि बीएड का सेशन बच किया। उसके बाद सर जो फी का जो समस्या था, फी के लिए हम लोग आंदोलन किए, उसको मतलब प्रयास किए। फिर लगभग जो है सर कि एक नंबर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा था बीएड के छात्रों को, हम लोग जाकर के रांची में जाकर के धरना देकर के हम लोग आंदोलन किए। फिर आप देखे होंगे कि यहाँ होमगार्ड जो आंदोलन रहा, लगभग 118 दिन तक जो है कि यह आंदोलन चला। तो इस प्रकार से लगभग बहुत सारे ऐसे कार्य रहे हैं जिसमें हम लोग सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं, और एक प्रयास है, और आपके माध्यम से मैं सभी जो हमारे देख पाएंगे, इतने साथी देख पाएंगे, उनसे मेरा अपील होगा, मेरा विनती होगा कि आप थोड़ा समर्थन करें, आप सहयोग करें। आपका भाई करने पर विश्वास रखता है, बोलने पर। बहुत अच्छी बात बोले इन्होंने, कहा है कि यहाँ से जो आपका प्रखंड है 20 मिनट दूर पड़ता है, जो कि आपका हैरो नदी पड़ता है, तो लोग ग्रामीण के जो निवासी हैं उन्हें ज्यादा दूर का सफर करना पड़ता है, और प्लस क्या पर डैम वहाँ पर वही चाहते हैं कि कुछ सुंदरीकरण हो तो लोगों का कुछ रोजगार मिलेगा, विकास होगा। बहुत अच्छी सोच रखे हैं, महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। अगर इस तरह का सोच रखेंगे तो निश्चित है कि इनके साथ में बहुत से युवक को हिम्मत मिलेगा और आगे विकास होगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।